डियर स्टूडेंट्स वेलकम यू इन ऑनलाइन क्लासेज आप बिशप अकेडमी महाराजगंज। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसमें एक्सरसाइज 2E से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे प्रीवियस क्लास में। वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 2E, क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24, 25 अप टू 30। आइए इनको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 2E क्वेश्चन नंबर 22 फाइंड द लिस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 25, 46 एंड 60 लिव्स 9 एज द रिमाइंडर इन इच केस। यानी ऐसा लिस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसमें 25 से डिवाइड करें, उस नंबर में 25 से डिवाइड करें या 40 से डिवाइड करें या 60 से डिवाइड करें, 25 40 से डिवाइड करें 60 से डिवाइड करें, तो प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर क्या रहा, प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 9, लिव्स 9 एज द रिमाइंडर। यानी इस कंडीशन में 9 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर भी 9 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर भी 9 रिमाइंडर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 होता तो इस कंडीशन में डायरेक्ट इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते, जो एलसीएम आता वही रिक्वायर्ड नंबर होता आपका। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर 9 है तो जो एलसीएम आएगा उसमें 9 और ऐड कर लेंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 25, 40, 60, इनका जो एलसीएम आएगा उसमें प्लस 9 ऐड कर लेंगे। एलसीएम ऑफ 25, 40 एंड 60 प्लस 9, जो रिमाइंडर 9 है 9 आप ऐड कर लेंगे। तो पर इनका एलसीएम फाइंड आउट करें, 25, 40 एंड 60 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, 25, 40 एंड 60 तो क्या मेथड है, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, 25 में नहीं डिवाइड होगा ऐसे लिख लेंगे, 40 में डिवाइड करेंगे तो 20 टाइम्स, 60 में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 30। अगेन 2 से डिवाइड किया जाए, 2 से डिवाइड करेंगे 25 ऐसे ही रहेगा, 20 में डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, 30 में डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे, जब तक ये नंबर कोई भी एक नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो भी तब तक उसमें डिवाइड करते रह जाएंगे, 25 में डिवाइड करेंगे ऐसे ही रहेगा, 10 में डिवाइड करेंगे 5, 15 भी ऐसे रहेगा। अब यह नंबर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, अब इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 25 में डिवाइड करेंगे नहीं होगा ऐसे ही नंबर रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा, 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा। अब 3 से भी कोई नंबर डिविजिबल नहीं है, अब इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो 5 का 25 में डिवाइड करेंगे, 5 या 25, 5 में डिवाइड करेंगे 1, इसमें डिवाइड करेंगे तब भी वैल्यू 1 आएगा। अगेन 5 से डिवाइड किया जाए, 1, 1 एंड 1, अब इसके बाद कोई भी नंबर इसमें ऐसा नहीं है जो 5 से डिविजिबल हो, तो वैल्यू क्या आ गया, एलसीएम ऑफ दिस दिस एंड दिस इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 प्लस 9, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 5 = 15 प्लस 9, 40 × 15 = 600 प्लस 9, यह वैल्यू हो जाएगा 609। यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, 609 एक ऐसा नंबर है जिसमें 25 से या 40 से या 60 से डिवाइड करें तो प्रत्येक कंडीशन में 9 रिमाइंडर होगा। नेक्स्ट
एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 2E का ही क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 एंड 30। तो फाइव डिजिट का वो लिस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो इन गिवन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। अगर आपसे अब फाइंड आउट करने को कहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस दिस एंड दिस, तो डायरेक्ट इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन फाइव डिजिट का नंबर आपको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी फोर एंड थर्टी। एलसीएम ऑफ 16, 18, 24 एंड 13। पहले इनका एलसीएम फाइंड आउट करें। 16, 18, 24, 30। फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। 2 से डिवाइड करें, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 16 में क्या होगा 8, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 9, इसमें डिवाइड करेंगे 12, इसमें डिवाइड करेंगे तो 15। अगेन 2 से डिवाइड किया जाए 4, 9, 6, 15। अभी भी 2 से डिविजिबल है 2, 9, 3, 15, ऐसे ही रहेगा। 2 से डिवाइड करें अगेन 1, 9, 3, 15। अब इसमें कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसके बाद किससे डिवाइड करेंगे, 3 से 1 में डिवाइड करेंगे, ऐसे ही रहेगा 3, 3 या 9, 1, 5। अभी भी 3 से डिविजिबल है 1, 1, 1 एंड 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1, 1, 1। कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी कैल्शियम क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 3 into 3 into 5 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 into 3 3 जा 9, 80 into 9 करेंगे 720 आ जाएगा। अब 720 तो फाइव डिजिट का नंबर है नहीं, फाइव डिजिट का नंबर आपको फाइंड आउट करना, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट। तो फाइव डिजिट का लिस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट इज इक्वल टू 10,000। अब वह लिस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है फाइव डिजिट का जो इन गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो, यानी 16, 18, 24, 30 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। जब इनका एलसीएम 720 आया है, अगर वह नंबर 720 से डिविजिबल है तो इस कंडीशन में इनमें से प्रत्येक नंबर से भी वह डिविजिबल होगा, बिकॉज 720 इज एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। तो 720 से आप 1000 में डिवाइड कर लें। अब उसमें देखें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 1000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 720, 100 में नहीं डिवाइड होगा, 1000 को लिया जाए तो 1000 में 720 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 times 720, रिमाइंडर आएगा 0, 10 minus 2, 8, 9 minus 7, 2, 280 में 720 से डिवाइड होगा नहीं, इस जीरो को यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 2800, तो 7 4 जा 7 24 जा 4 into 0 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 4 7 जा 28। देख रहे हैं 2880 आ रहा है, कितना एक्स्ट्रा है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ला, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 80 में से यह नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 80, यानी इसमें अगर 80 और ऐड करना तो वह नंबर 720 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, यानी रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो देयरफॉर
रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड फाइव डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10,000 प्लस 80 यही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, जो कि इनमें से प्रत्येक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा और यह फाइव डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जो इनसे डिविजिबल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट। पहले इन नंबर का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, चलिए इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। 24 फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस दिस एंड दिस। तो पहले इन नंबर का आप एलसीएम फाइंड करें, एलसीएम ऑफ 9, 12, 15, 18 एंड 24 इज इक्वल टू, इन कैल्शियम फाइंड आउट करें, 9, 12, 15, 18 एंड 24 डिवाइड कर लें इनको 2 से, 9, 6, 15, 9, 12 अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 9, 3, 15, 9, 6 अभी भी 2 से यह नंबर डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड करें, 9, 3 जो नंबर नहीं डिविजिबल है उसको ऐसे ही रहने देंगे, 15, 9 यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसमें से देख रहे हैं कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके बाद 3 से डिवाइड करें, 3 से डिवाइड करेंगे 3, 9 में 3, 1, 5, 3 एंड 1 अगेन 3 से डिवाइड किया जाए, 1, 1, 5, 1, 1 अब 5 से डिवाइड करें, 1, 1, 1, 1, 1 हो जाएगा, अब कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इन कैल्शियम क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5 3 into 3 into 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 8 5 जा 40 into 9 इक्वल टू 360। यह तो इन कैल्शियम हो गया, लेकिन इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फाइव डिजिट इज इक्वल टू 99,990। लेकिन वह ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो एग्जैक्टली इन गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इन गिवन नंबर का एलसीएम यह मिला है 360, यानी 360 से अगर वो कोई नंबर डिविजिबल है तो उस कंडीशन में वह नंबर इनमें से प्रत्येक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो 360 से इसमें डिवाइड करके आप देखें क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो 9, 9, 9, 9, 9, 9 डिवाइडेड बाय 360 से 990 में डिवाइड करेंगे, 2 times 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7 हो जाएगा 720।
नाइन माइनस जीरो नाइन हो जाएगा, नाइन माइनस टू सेवन, नाइन माइनस सेवन टू, यह नंबर ऐसे लिख लेंगे 2799 आ गया। अब 366 में डिवाइड करें, 8 टाइम्स 0, 8 6 जा 48, रिमाइंडर 4 आएगा, कैरी 4 करेगा, और 8 3 जा 24 और 4 28, अधिक नंबर हो जा रहा है। 7 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 7 0, 7 इंटू 0 7 0 हो जाएगा, 7 6 जा 24, 4 यहाँ कैरी करेगा, 7 6 जा 42, 4 कैरी करेगा, 7 3 जा 21 और 4 25, 9 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2, 279, इस नंबर को ऐसे नीचे ला लेंगे, 2799 आ रहा है, 2799 अभी भी कितने टाइम्स जाएगा, 7 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका 2520। सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2, 279, तो 279 इसमें से सबट्रैक्ट कर लें तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 99999 माइनस 279, जो रिमाइंडर आ रहा है उतना इसमें सबट्रैक्ट कर लेंगे। अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो 360 से नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होता, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता तो जितना रिमाइंडर आ रहा है इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे, वही आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। तो 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7, 9 9, यानी 99720 वह रिक्वायर्ड नंबर होगा, जो गिवेन नंबर से यानी इन गिवेन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ध्यान देंगे एक बार और क्या किया गया, सबसे पहले गिवेन नंबर का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया गया, इनका एलसीएम 360 हो गया, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, 5 डिजिट का वह ग्रेटर नंबर फाइंड आउट करना है जो इन गिवेन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो इस कंडीशन में 5 डिजिट का कोई ग्रेटर नंबर अगर 360 से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में वो नंबर इनसे भी डिविजिबल होगा, बिकॉज 360 इज एलसीएम ऑफ द गिवेन नंबर। तो 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर आप लिख लिए। अब इसमें 360 से डिवाइड किया गया, हम डिवाइड करने पर देख रहे हैं क्या 279 रिमाइंडर आ रहा। अब 279 को इस गिवेन नंबर में से यानी 5 डिजिट का जो नंबर सपोज किया गया उस जो नंबर है उसमें से 279 को सबट्रैक्ट कर लिया गया, यह रिक्वायर्ड नंबर आ गया आपका, जो कि 5 डिजिट का है और इन गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, बिकॉज दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 360। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे अपने क्लास वर्क कॉपी में। थैंक यू।